हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बनाएंगे घर पर गेहूं के आटे का नूडल्स। बहुत ही आसान है और टेस्टी भी, तो चलिए झटपट शुरू करते हैं। आटा नूडल्स बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1.5 कप गेहूं का आटा, 1/2 कप तो यहाँ पे मैंने डाला है हल्का सा नमक, और नमक और आटे को हम आपस में अच्छे से मिला देते हैं। नमक का प्रयोग मैंने करीब 1/2 चम्मच किया है। आटे और नमक को मिलाने के बाद हम हल्का हल्का पानी लेके एक सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। डो हमारा बिल्कुल तैयार है। अब तो आइए अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। डो को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 1 पार्ट को साइड कर लेंगे और स्टार्टिंग में हम अभी 1 ही पार्ट यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो किचन टॉप का भी प्रयोग कर सकते हैं नूडल बनाने के लिए। आटे की लोई की कोटिंग हम सूखे आटे से कर देंगे और इसे हम पतला और लंबा बेलेंगे। तो यहाँ मैंने इसे पतला और लंबा बेल दिया है और अब हम इसको फिर से सूखे आटे से कवर कर देंगे ताकि ये आपस में चिपके ना। तो आइए अब हम इसे फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने का प्रोसेस आप देख सकते हैं, तो इसे हमने इस प्रकार से फोल्ड कर दिया। और फोल्ड करने के बाद अब हम इसे पतला और लंबा काट लेंगे। काटने के बाद हम फिर से थोड़ा सा आटे से इसकी कोटिंग कर देते हैं ताकि ये आपस में चिपके ना और इसे खोलना आसान हो। इसी प्रकार से सारे कट पीसेस को हम खोलकर साइड कर लेंगे। तो यहाँ हमने सारे नूडल्स को रेडी कर लिया है। तो आइए अब इसे कुक करते हैं। कुक करने के लिए हमने पानी को गर्म होने के लिए चढ़ाया है और उसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा सनफ्लावर ऑयल ताकि नूडल्स आपस में चिपके ना। और एक बार जब ये पानी गर्म हो जाए तो हम सारे नूडल्स को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और करीब 3 से 4 मिनट में ये पक कर तैयार हो जाएगा। फोक की मदद से इसे कंटिन्यूस स्टर करते रहेंगे और 3 से 4 मिनट में हमारा नूडल्स रेडी हो जाएगा। तो पानी में आ चुका है उबाल, नूडल्स भी हमारा हो चुका है तैयार। तो अब हम नूडल्स को अलग कर लेंगे पानी से और एक स्ट्रेनर की मदद से सारे वाटर को हम ड्रेन कर लेंगे। इसे हम होने देते हैं साइड और हम करते हैं आगे का प्रोसेस शुरू। आगे के प्रोसेस के लिए हम लेंगे कढ़ाई में सनफ्लावर ऑयल और इसमें हम डालेंगे लहसुन की कलियां जिसे हमने छोटे छोटे चॉप कर लिए हैं। प्याज को हमने यहाँ स्लाइसेस में काटा है और इसे हम करीब 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इसे हल्का सॉफ्ट कर लेना है। अब हम यहाँ पे डालेंगे अपनी पसंद की सब्जियां। तो मैंने यहाँ डाला है फ्रेंच बीन्स जिसे हमने चॉप कर लिया है।
गाजर का प्रयोग किया है हमने, जिसे हमने चॉप करके डाला है। ये है शिमला मिर्च, इसे भी हमने पतले पतले स्लाइसेस में काटा है। दो से तीन मिनट के बाद सब सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी, तो हम इसमें डाल देते हैं नमक। और उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं टमाटर, जो कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो टमाटर स्किप भी कर सकते हैं। टमाटर डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक हम इसे थोड़ा भून लेंगे। और अब हम इसमें डालते हैं सॉस। यहाँ पे हमने डाला है चिली सॉस, जो हमने डाला है 2 चम्मच, आप अपने स्वाद अनुसार डालें। फिर हम डालेंगे रेड चिली सॉस, जो कि थोड़ा तीखा होता है, वो भी हमने 1.5 स्पून यूज़ किया है। इसका प्रयोग भी आप अपने स्वाद अनुसार करें। सोया सॉस ज़्यादा नहीं डालेंगे, वरना टेस्ट खराब हो जाएगा, तो यहाँ 1 चम्मच काफ़ी है। विनेगर हम डाल रहे हैं, जो कि टोटली ऑप्शनल है। और साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे 3 से 4 चम्मच टोमेटो सॉस। सारे सॉस को डालने के बाद हम इसे अच्छे से सब्जियों के साथ मिला देते हैं। और फिर हम यहाँ पे डालते हैं नूडल, आटा नूडल जो हमने रेडी किया था, अब हम यहाँ पे डाल देते हैं। और डालने के बाद इनको अच्छे से आपस में मिला देते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये टेस्टी आटा नूडल बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। इसे गरम गरम सर्व कीजिए। अगर आप हमारी ये रेसिपी ट्राई करते हैं, तो अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है, तभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों से शेयर कीजिए, बेल आइकन तो टैप ज़रूर कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियोज़ डालें आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।